हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सनराइजर हैदराबाद यानी आईपीएल 2024 का स्क्वाड कंपोजिशन करेंगे। तो आगे बात करते हैं इनके टीम स्पेशलाइजेशन देखते हैं, जहां पे सनराइजर हैदराबाद का स्क्वाड एक बल्लेबाज गेंदबाज ऑलराउंडर का समृद्धि से भरा हुआ है और इसमें विश्वसनीय खिलाड़ियों का एक अच्छी मिश्रण भी है, जहाँ पे सन हैदराबाद की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे दिलचस्प टीम भी रही है। यह एक ऐसी टीम रही है जो आईपीएल के इतिहास में हमेशा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए जानी जाती है, जहाँ पे हैदराबाद की टीम अपने गेंदबाजी के लिए भी मशहूर है। तो अगर बात करते हैं, अगर हैदराबाद अगर आईपीएल का टाइटल भी जीतती है तो वो गेंदबाजी के दम पे ही। जहाँ पे बता दूँ कि सनराइजर की टीम इस बार ना सिर्फ अपनी घातक गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध रहने वाली है, बल्कि अपने बल्लेबाजों के लिए एक फुल स्क्वाड भी लेकर आ रही है, इस आईपीएल में उतरने वाली है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि विकेट कीपर्स से। तो दोस्तों, हैदराबाद की टीम इस बार आईपीएल 2024 में 3 विकेट कीपर्स बल्लेबाज के साथ आपको इस टूर्नामेंट में नजर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम में आपको काफ़ी सारे विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। ग्लेन फिलिप्स है, उपेंद्र सिंह यादव है, यानी क्लासन है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बैट्समैन है। तो दोस्तों, हैदराबाद की टीम में आपको काफ़ी सारे बैटिंग के भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब्दुल समद है, एडम मक्राम है, राहुल त्रिपाठी है, मयंक अग्रवाल है, ट्रेविस हेड है, अनमोल प्रीत सिंह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ऑलराउंडर है। दोस्तों, आपको हैदराबाद की टीम में आपको काफ़ी सारे ऑलराउंडर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अभिषेक शर्मा है, सनवीर सिंह है, नीतीश कुमार रेड्डी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि स्पिनर्स है। दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद की टीम में आपको स्पिनर्स की कमी भी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। वाशिंगटन सुंदर है, शहबाज अहमद है, वनिर्दु हसरंगा है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि फास्ट बॉलर है। दोस्तों, आपको सनराइजर हैदराबाद की टीम में आपको काफ़ी सारे फास्ट बॉलर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। भुवनेश्वर कुमार है, मार्को जैनसन है, पैट कमिंग्स है, टी नटराजन है, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक है, जयदेव नाडक, आकाश सिंह है, फजल फारूकी है। बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखते हैं। तो पहली प्लेयर की बात करें, जो कि ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर बैट्समैन है, जो मजबूत बैटिंग के साथ अच्छी फील्डिंग के लिए क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने विभिन्न T20 टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी टैलेंट को दिखाया। ट्रेविस हेड अपने बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, वो आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस भी करते हैं, वह टीम को मजबूत से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उनकी बैटिंग, फील्डिंग कौशल टीम को उन्नति प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर, जो कि अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा भी एक अच्छे आईपीएल में खिलाड़ी है। वे सनराइजर हैदराबाद की टीम के लिए खेलते हैं। वे एक ऑलराउंडर है जिनकी क्षमता बैटिंग गेंदबाजी दोनों है। अभिषेक शर्मा अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, वे अच्छी गेंदबाजी करने में सक्षम है। उन्होंने टीम को महत्वपूर्ण मोमेंट्स में भी मदद की है। उनका योगदान टीम की सफलता का महत्वपूर्ण योगदान है। करते हैं जो कि नेक्स्ट प्लेयर राहुल त्रिपाठी है। राहुल त्रिपाठी एक भारतीय क्रिकेटर है। वे आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद के लिए खेला है। राहुल त्रिपाठी, उनकी स्विफ्ट बैटिंग, चुस्त फील्डिंग और योगदान के लिए मान्यता मिली है। वह एक टीम की बैटिंग लाइनअप का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें, जो कि एडम मक्राम है। एडम मक्राम दक्षिण अफ्रीका का एक क्रिकेट खिलाड़ी है, जो आईपीएल में भी खेलते हैं। वह एक अच्छे बैट्समैन, अपनी शक्तिशाली बैटिंग के लिए भी मशहूर है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कई सारे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस किए हैं। आईपीएल में जहाँ पर एडम मक्राम विभिन्न टीमों के लिए भी खेला है, उन्होंने अपनी बैटिंग क्षमताओं को भी दिखाया। उन्हें तेज स्थायी बैटिंग के साथ फील्डिंग भी अच्छा करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर, जो कि हेनरी क्लासन है। हेनरी क्लासन एक विकेट कीपर बैट्समैन, जो अपनी स्वीट बैटिंग अच्छी विकेट कीपिंग के लिए मशहूर है। उन्होंने तेज बैटिंग के साथ साथ मजबूत पास वाला क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाई है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें, जो कि अब्दुल समद है। यह एक युवा बैट्समैन है, अपने परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। उन्होंने टीम के लिए कई सारे महत्वपूर्ण इनिंग खेले हैं। अब आगे बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर एक भारतीय क्रिकेटर है, जो कि आईपीएल में खास पहचान बना चुके हुए। एक ऑलराउंडर है जो गेंदबाजी बैटिंग दोनों अच्छे में परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर एक अच्छे ऑफ स्पिन गेंदबाज है। उनकी बैटिंग भी मजबूत है। उन्होंने आईपीएल में कई मैचों में महत्वपूर्ण गेंदबाजी बैटिंग में योगदान दिया। उनके स्मार्ट गेम प्लेयर के रूप में माना जाता है। आगे नेक्स्ट प्लेयर की बात करें, जो कि पैट कमिंग्स है। पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और अच्छे ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं। आईपीएल में कई सीजनों में गेंदबाजी के लिए पहचान बनाई ने उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पैट कमिंग्स एक तेज गेंदबाज, जो बॉल को गति, आकार दोनों मारने का क्षमता रखते हैं। उनकी बॉलिंग शैली कुशल, टेस्ट क्रिकेट में प्रमुख है, लेकिन वह वनडे T20 के अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर, जो कि भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर कुमार एक भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज है। सनराइजर हैदराबाद कप्तान के रूप में भी चर्चा है। आईपीएल में अपनी महिराना गेंदबाजी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के लिए कई सीजनों में खेला। उनका योगदान टीम के लिए सफलता के लिए कृत्रिम रूप है।
करें भुवनेश्वर कुमार एक स्विंग ग्लो गेंदबाज है, उनका अद्वितीय गेमप्ले उन्हें गेंदबाजी के क्षेत्र में पहचान बनाता है। उन्होंने आईपीएल में गेंदबाजी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनके बारिश गेंदबाजी और अच्छी योग्यता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि टी नटराजन है, टी नटराजन एक भारतीय क्रिकेटर जो आईपीएल भी खेलते हैं, अपने गेंदबाजी के लिए भी फेमस है। वह एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने अपने स्विंग गेंदबाजी योकर्स के लिए मशहूर है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट में अपने शानदार भी परफॉर्मेंस भी किया और प्रशंसा भी प्राप्त किए हैं। जहां नटराजन ने सनराइजर हैदराबाद के लिए आईपीएल में बढ़ चढ़ कर खेला है, उनकी गेंदबाजी ने टूर्नामेंट के दौरान एक महत्वपूर्ण गेंदबाज भी बना दिया। उनकी योग्यता विशेष गेंदबाजी के कारण उन्हें टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षक बना देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि मयंक मार्कंडे है। मयंक मार्कंडे एक लेग ब्रेक गेंदबाज है, उनकी क्रिकेट गेंदबाजी एक उन्हें प्रमुख बनाती है। उनका विशेषता यह है कि बैट्समैन को मुश्किल में डालने के लिए गेंदबाजी कर सकते हैं, उसकी योग्यता उन्हें विभिन्न स्थितियों में सहायक बनाती है। ये दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बात करते हैं क्या इस बार हैदराबाद की जो टीम है गेंदबाजी और बैट्समैन दोनों लेकर आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग, क्या इस बार टाइटल जीत पाती है नहीं जीत पाती है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।